नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जब सारी दुनिया वायरस से जूझ रही है, ऐसे वक्त में भी कुछ लोग अपनी मजहबी मानसिकता को दूसरों पर थोपने से बाज नहीं आ रहे हैं। खासतौर पर जहां ऐसे तत्वों की आबादी थोड़ी घनी है, वहां ये ज्यादा बेकाबू है। ये वही लोग हैं जो कोरोना वायरस वारंटर पर फूल बरसाने की बजाय पत्थर बरसाना ज्यादा उचित मानते हैं। कई देशों का प्रशासन इनकी सुरदंगबाजी से जरूर तंग है, मगर श्रीलंका में इन्हें न सिर्फ तसल्ली से बजाया जा रहा है, बल्कि इनकी मजहबी दोस्त के कसबल भी ढीले कर दिए गए हैं। श्रीलंका ने कोरोना वायरस के दस्तक देते ही खास रणनीति अपनाई थी। उसने शुरुआती दिनों में ही श्रीलंकाई मुसलमानों पर इस कदर नकेल कसी की यहां कोरोना वायरस ज्यादा नहीं फैल पाया। यह श्रीलंकाई सरकार द्वारा स्थानीय मुसलमानों पर सख्ती का ही नतीजा है, जो आज सुबह तक यहां संक्रमितों की संख्या 847 ही पहुंच पाई है। यहां 9 लोगों ने दम तोड़ा है। बड़ी बात यह है कि इन 9 मृतकों में से 3 मुसलमान हैं। यह आंकड़े इसलिए भी चौंकाते हैं क्योंकि श्रीलंका की कुल आबादी 2,10,00,000 में 21,00,000 मुसलमान हैं। श्रीलंका सरकार केवल यहीं पर नहीं रुकी, उसने आदेश जारी कर दिया कि कोरोना संक्रमण से मारे गए किसी भी व्यक्ति का दाह संस्कार करना अनिवार्य होगा। किसी भी मजहब को शव दफनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके बाद श्रीलंका में 3 मुसलमानों का दाह संस्कार कर दिया गया। मजे की बात यह है कि पत्थरबाजी करने वाली स्कोम ने यहां कान तक नहीं फड़काए हैं, यानी लातों के भूतों को लातों से ही सुधारा जा रहा है। श्रीलंका में कोरोना वायरस का मामला 25 जनवरी को सामने आया था, जब एक चीनी मुस्लिम महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद से राजपक्षे सरकार ने मुस्लिम समुदाय को अपने निशाने पर ले लिया था। उन्होंने देश के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में प्रशासन को कड़ाई बरतने के निर्देश दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि यहां कोरोना वायरस ज्यादा विस्तार नहीं कर पाया। मस्जिदों पर पहरे लगा दिए गए, जो उत्पाती मूल्य थे उन्हें ठोक बजाकर घर में ही कैद कर दिया गया, यानी इनके कट्टरपंथ की पोती इन्हीं के दरवाजे पर टांग दी गई। पर मामला यहां तक नहीं है। पीएम महिंदा राजपक्षे को श्रीलंका का मोदी कहा जाता है। उनके कार्यकाल में कट्टरपंथियों की बढ़िया से ठुकाई हो रही है। पिछले वर्ष चर्च पर हुए मिले के बाद से यहां तौहीद जमात पर गुपचुप कार्रवाई चल रही है। बताया जाता है इस देश में 140 से ज्यादा कट्टरपंथी गायब हो चुके हैं, जिनके पीछे प्रशासन और सेना का हाथ होने के आरोप लगे हैं। सिंगली समुदाय भी इन कट्टरपंथियों को लेकर आक्रामक है। खास बात यह है कि इस देश में यह विचार तेजी से फैला है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इन लोगों पर काबू करना आवश्यक है। भारत की तबलीगी जमात से जुड़े 3 श्रीलंकाई मुसलमान पॉजिटिव मिले हैं, जिन्होंने यहां पर 400 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर दिया है, यानी श्रीलंका में संक्रमण के कुल केस में 70% इसी तबके से जुड़े हैं, जो मजहब के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जिया उड़ाते चले गए। मगर श्रीलंकाई सरकार के एक्शन के आगे इनकी दाल ज्यादा देर तक नहीं गल पाई। इसे पीएम महिंदा राजपक्षे की कामयाबी ही माना जाएगा, जो 4 माह बीत जाने के बाद भी यहां कोरोना वायरस प्रथम चरण से आगे नहीं बढ़ पाया है। अगर भारत सरकार भी ऐसी कोई सीख लेती तो आज देश जिस भयावह स्थिति में आ गया है, शायद उसका सामना नहीं करना पड़ता। यह भारत में मिली आजादी का ही परिणाम है, जिसने स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थर बरसाने की इन्हें छूट दे दी है। श्रीलंका में 32 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। जिन 847 मरीजों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उन सबको अस्पताल में भर्ती करा दिया है। लेकिन जो 32 लोग क्वारंटीन हैं, उनमें 2600 से ज्यादा लोग इसी समुदाय से जुड़े हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन लोगों को सेल्फ क्वारंटीन रखा जा रहा है। श्रीलंका ने अपने अस्पतालों के बेड गंभीर मरीजों के लिए रिजर्व रखे हैं, जबकि हिंदुस्तान में जमातियों को चप्पल और 2 जोड़ी कपड़े तक मुहैया कराए जा रहे हैं। श्रीलंका सरकार का सख्त आदेश है कि कोरोना से हुई मौत के बाद बॉडी को जलाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। द ऑल सिलोन जमात उल उलमा ने सरकार से गुजारिश की थी कि वे मृतक मुस्लिमों के सबको 8 फीट नीचे दफनाने को तैयार है, मगर पीएम राजपक्षे ने उनका अनुरोध ठुकरा दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि देश किसी शरीयत से नहीं चलता है, बल्कि देश का अपना संविधान है और उसी के हिसाब से देश को चलाया जाएगा। हालांकि कुछ स्थानीय मुस्लिम संगठनों ने अवश्य फन उठाने की जरूर कोशिश की, मगर प्रशासन के डंडे के आगे इनकी ज्यादा नहीं चल पाई। शायद इन तमाम बदलाव और कठोर कदमों का असर है, जिसके बाद श्रीलंका कोरोना पर नियंत्रण बनाए हुए है। अगर यहां भी कट्टरपंथियों को खुला छोड़ दिया जाता तो आज यहां के हालात भारत से कहीं ज्यादा बदतर होते। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।